मैं जब तक एक्सरसाइज करता हूँ और तुम जब तक आगे की वीडियो देखो। ऐसे सही आ रहा हूँ भाई मैं, देखो कितना प्यारा बंप आया। वाओ ये इतना गोल बना ना ये वाला शोल्डर भाई साहब, एक नंबर बनता है। देखो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑफिस से आ गया भाई और ऑल सेट फॉर जिम। पानी गर्म करूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा सबसे पहले। तो आज ऑफिस से टाइम से आ गया भाई, हेक्टिक डे था। मतलब आज तो ऐसा कि फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब आज काफ़ी अच्छा खासा रश था काम का। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं पीऊँगा कॉफ़ी। बिफोर जिम आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो मतलब प्री वर्कआउट मैं पहले लेता था, तो मेरे को लगभग साल भर हो गया प्री वर्कआउट लिया। मैंने साल भर से प्री वर्कआउट नहीं लिया, मैं कॉफ़ी ही पीता हूँ और गर्म पानी लेके जाता हूँ साथ में। गर्म पानी इसलिए बिकॉज मेरा भी गला खराब हो रहा है, बाकी और कोई ऐसा इशू नहीं है। और भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने भी एक नया सप्लीमेंट ऐड किया है जो तुम सब लोग आई थिंक जानते होगे, वो है क्रिएटिन। मैं पहले लेता था क्रिएटिन, अब नहीं लेता। मैं अभी ले रहा हूँ हाल फिलहाल GNC का क्रिएटिन। ठीक है, और अभी मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ। क्रिएटिन के फ़ायदे तो क्या ही बताऊँ तुमको, बताऊँगा तुम लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़े बहुत क्रिएटिन के फ़ायदे। स्ट्रेंथ ऐसा आई थिंक मैं सही आ रहा हूँ, स्ट्रेंथ में मतलब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी कर देता है, पंप अच्छा लाता है, मसल जो है बॉडी मसल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। एक इसको प्रोटीन मसल मास गेन में हेल्प करता है। और अच्छा, इसी डब्बे के सहारे तो मैंने आपको फ़ोन लगाया भाई, मैंने अपना फ़ोन लगाया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे तो आएगा नहीं फ़ोन भाई। और एक स्कूप क्रिएटिन, ये पहले इसको खोल लूँ मैं एक बार, बस ये होगा एक स्कूप लगभग इसका। एक स्कूप है 3.5 ग्राम 3-5 इसका एक स्कूप है अभी 3 ग्राम का, तो मैं लूँगा इसका भी एक स्कूप। मैं लगभग लगभग साल भर बाद इसको दोबारा से ले रहा हूँ अपने वर्कआउट में, इसको ऐड कर रहा हूँ मैं। तो ये एक स्कूप क्रिएटिन, बस ख़त्म, ऑल सेट फॉर जिम भाई। जब तक पानी गर्म हो जाता है और फिर कॉफ़ी पी के चलते हैं जिम। आज है मेरा शोल्डर का वर्कआउट, रफ एंड टफ शोल्डर वर्कआउट। ठीक है, ऑल सेट फॉर जिम, चलो। हेलो मम्मी, कैसे हो, हाउ आर यू? ठीक हूं। ऑल गुड। आपकी खांसी जुकाम कैसी है? हाँ, सही है। अच्छा भाई, अभी एक सेकंड रुको, मेरे ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा। और भाई मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, इनके लग रही है खांसी जुकाम अच्छी वाली। मैंने साथ सब कुछ रख लिया क्या? हाँ सब कुछ रख लिया। तो मैं अरे कॉफ़ी का पाउच मैं वही तो सोचूँ, क्योंकि मेरा अंदेशा हो जाता है जब भी मैं इस पर कोई गलत चीज़ हो रही होती है, मतलब होने वाली होती है, या फिर मैं कुछ भूल रहा होता हूँ ना, तो मेरे को पहले से अंदेशा रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाबू चल रही है कुछ ना कुछ तो गड़बड़। कॉफ़ी मिल रहा है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ शोल्डर प्रेस, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं माइक ऑर्डर करूँगा, आप चेक करूँगा इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आवाज़ सही आ रही है। पहले मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ मशीन से, 4 से 5 सेट लूँगा मैं इसके, ठीक है, और उसके बाद करूँगा इसमें मशीन पर। तो एक बार ये देख लो, वैसे तो वीडियो लगा दी, ठीक है। 73 हाँ भाई मशीन में आ रहा है, 73 kg है। तो आई थिंक ये मेरा 4th सेट है, तो इसमें मैं लगा रहा हूँ 73 kg से, ठीक है। गर्दन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बीच में कमर का आर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, उस वजह से ज़रूर थोड़ा सा पेन हो गया। पीछे बेल्ट लगा के करना पड़ेगा भाई, हाय राम। पंप ऐसे आएगा नहीं, देख ऐसा तो क्या ही दिखेगा पंप। फिर जब मैं सैंडों में करूँगा तब पंप दिखाऊँगा, ठीक है।
भाई शोल्डर की एक्सरसाइज सर आगे लाता हूँ, आगे ऐसा आवाज़ नहीं आई भाई, शोल्डर की एक्सरसाइज चल रही है एक नंबर। पंप तुम देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ भाई। अभी सही एक्सरसाइज चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जैसे कि तुमने जो पुरानी वाली वीडियोस में देखा होगा। आई थिंक मेरे को अब यहाँ पे ऐसे माइक लगा के फिर बोलना पड़ेगा तो सही रहेगा। और भाई अभी वैसे जिम में म्यूजिक चल रहा है तो उस वजह से कॉपीराइट भी आ सकता है, तो मैं मेरी एक्सरसाइज करता हूँ, बाकी जितनी वीडियो मैं बना लूँगा उतनी तो मैं पोस्ट कर ही दूँगा, वो देखते रहना। बाकी अभी दो एक्सरसाइज होगी और एक शोल्डर प्रेस हो गई और एक मशीन की शोल्डर प्रेस हो गई, मशीन से शोल्डर प्रेस हो गई और एक डंबल से कर ली। और अब मैं लूँगा साइड रेजेस, फ्रंट श्रग्स, ओवर, क्योंकि मैं डेल्स को ट्रेन बैक के साथ में करता हूँ, शोल्डर के साथ में नहीं करता इसलिए। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तुम आगे की वीडियो देखो। बैक टू होम और मैं फिर से मार्केट जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क। मेरे घर में बढ़िया पनीर की सब्जी, दीपी बना रही है, इसको सब्जी बनाना मैं सिखाया आज। पहले फ्राई कर लिया, प्याज करिए अभी फ्राई। अच्छा मैं पूरा आ रहा हूँ इसमें, देखिए एक बार, अब सही आ रहा हूँ भाई। मैं क्या है ऐसा फ्लैश ऑन करके और कैमरा ऐसे, मतलब फ़ोन को पीछे से वीडियो बनाता हूँ, फ़ोन की पीछे से वीडियो बनाता हूँ ना बैक कैमरा से, तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैं सही आ रहा हूँ। जैसे अभी आगे मेरे कांच है तो वहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि यस आई एम लुकिंग ठीक। ठीक है, कांच नहीं मिरर है, हाँ ऐसे बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना, ग्लास टाइप का है आगे तो मेरे को पता चल रहा है थोड़ा। मैं मार्केट जाके आता हूँ, तू तब तक सब्जी बना ले, एंड ओनली टू चपातीस। हाँ क्या हुआ, पूरी, हाँ पूरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बना ले पूरी, बना ले भी अपन को क्या है। मम्मी मैं थोड़ा मार्केट जाके आ रहा हूँ, आपको कुछ काम है, आपके लिए कुछ लाना है, समथिंग यू वांट? नहीं, राम राम बोल दे एक बार से, राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये बात जय भाई, मैं बाहर से बंद कर रहा हूँ, बाद में आप कर लेना है ना। चिक्के ओ भाई साहब, लाइट जल गई, लाइट जल गई हमारे यहाँ की, क्या बात है। हाँ तो भाई मैं पहले बता देता हूँ कि मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई अभी ज्वेलरी वाली शॉप पे, बिकॉज मेरे को रौनक के लिए कुछ लेना है, उसका भी बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक ब्रेसलेट, एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ। और उस ब्रेसलेट की एक खासियत होगी जो कि मैं अभी ऑर्डर दे दूँ, उसके बाद बताऊँगा क्या खासियत होगी। और ब्रेसलेट मैंने अपने मनपसंद से उसको डिज़ाइन करवाया है कि कौन सी चीज़ कैसी होगी, डिज़ाइन कैसा होगा, उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो सब मैंने अपने हिसाब से सोचा हुआ है। मैं ज्वेलर के पास में आऊँगा और उसको बताऊँगा कि भी कैसी कैसी क्या क्या डिज़ाइन है, और फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊँगा डिज़ाइन। ठीक है, उसका बर्थडे आता है 8th of February, तो मैं चल जाऊँगा वहाँ पे 7 February को, और रात को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। भाई अभी मैं आया था शॉप पे, लेकिन यार सैड न्यूज़ है, जो मैं मेरी डिज़ाइन, जो भाई मैं मेरी डिज़ाइन सोच के आया था ना, वो यहाँ पे मिली नहीं। वो बोले कि भाई ये वाली डिज़ाइन हम चांदी में नहीं बना सकते, गोल्ड में बना सकते हो। मैंने यार गोल्ड जितना तो यार बजट अपनी अपना है नहीं इतना, तो मैं क्या यार कोई बात नहीं, अब रौनक को कुछ और गिफ्ट देना पड़ेगा, ये वाला तो भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं मैं मेरे भाई को यही चीज़ दूंगा तो ज़रूर, साला थोड़ा बजट और अच्छा हो जाएगा, जब मैं बहुत अच्छा कमाने लग जाऊँगा तब दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी उसके लिए मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा, और उसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या दूँ। गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ यार कि मैं क्या दूँ उसको उसके बर्थडे पे, कोई अच्छा सा गिफ्ट, जो कि भाई मतलब एक वो गिफ्ट होना चाहिए, मतलब क्या बताऊँ, तुम समझ जाओ कि मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, अब ऐसा तुम कुछ भी सोच लो, एक अच्छी सी चीज़ सोचो और फिर मेरे को कमेंट करके बताओ। वो वाली डिज़ाइन बोला भैया कहीं पर बन भी नहीं सकती है, वो जो आप डिज़ाइन बता रहे हो ना बैंकॉक वाली डिज़ाइन है। मैंने बोला मैं ऐसी ऐसी डिज़ाइन नहीं चूज़ करने लग गया, तगड़ा है यार भाई, बैंकॉक की डिज़ाइन में से लगता नहीं है बैंकॉक की भी, मतलब वो मिल तो जानी चाहिए ऐसे, तो ऐसे तो मैंने क्या ही सोचा होगा, मिल तो जानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज भाई मैं देखता हूँ भाई अभी हाल फिलहाल की मैं उसको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। तो गाइस गोइंग टू स्लीप, एक सेकंड, कांच में मैं सही आ रहा हूँ क्या, मतलब मैं अगर यार ये मेरे से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं सही आ रहा हूँ, सामने मिरर है तो मैं बता पा रहा हूँ हाँ कि मैं सही आ रहा हूँ, अगर मैं इधर उधर हो गया तो नहीं बता सकता। एनीवेज धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो सब हो जाएगा। भाई अभी मैं आ चुका घर पे और रात के बज रहे 10, सोने की तैयारी। जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाकर मेरे को फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रेगुलर स्टोरी आती है और मैं जिम में जो भी एक्सरसाइज वगैरह लगा दो जिम से रिलेटेड सब चीज़ आती है, तो भी फटाफट जाकर मैं वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो। और अगर अभी तक जो बंदा नया है वो जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। मैं रात का अपना खाना दिखा देता हूँ, मतलब मैंने खाना वाना खा लिया, ठीक है, मतलब उसमें मैंने खाया पनीर,
सैलेड और पूड़ी बनी थी घर पे, तो पूड़ी खाई मैं नॉर्मल, ज़्यादा फैंसी खाना नहीं खाता। और रात को मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ, दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, ये दूध है, मतलब ये दूध है और ये जिस मग्गे में दूध पीता हूँ वो है, और इसमें तुम देख रहे हो तो मैंने घी मिलाया हुआ है, ये देखो घी है। ठीक है, तो भाई मैं बहुत अभी जैसे गेनिंग पे चल रहा हूँ तो मैं बहुत देसी डाइट खाता हूँ, मैं कोई ज़्यादा बाहर का नहीं खाता, प्री वर्कआउट वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता, मैं सिर्फ प्रोटीन लेता हूँ और क्रिएटिन लेता हूँ। क्रिएटिन वो भी मैंने आज से लेना चालू किया है, उससे पहले आई थिंक साल भर हो गया मेरे को लिए हुए, है ना, और प्री वर्कआउट तो मैं पूरे 2-1 साल हो गए लिए हुए, मैं कॉफ़ी से काम चलाता हूँ। तो मैं जो बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ भाई, कोई फैंसी खाना नहीं खाता, और ड्यूटी के चक्कर में और एक दो कामों के चक्कर में अपनी डाइट भी इतनी मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी डाइट वगैरह वो सब मैनेज कर पाऊँ। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले तुम लोग भाई मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि रौनक के लिए मेरे को क्या लेना चाहिए, कोई अच्छा सा गिफ्ट जो बहुत शानदार बहुत बढ़िया हो, मतलब बिल्कुल भाई के लिए ले रहा हूँ मैं वो वाला, कोई अच्छा सा गिफ्ट बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।